सूरत क्राइम ब्रांच इनी इको सेल नी टीम में महीना पहला जो राज्य ना अलग अलग शहरों में थी 200 करोड़ नू जीएसटी कोबांड पकड़ी पाड़ियो छे। आ कोबांड नो सूत्रधार एवा उन विस्तार में रहता मुर्शीद आलम हबीबुल रहमान सैयद ने पण शुक्रवार क्राइम ब्रांच नी इको सेल नी टीम में झड़पी पाड़ियो छे। मुर्शीद आलम 496 करोड़ ना बोगस बिल बनाव्या नू तपास में बहार आव्यु छे। मुर्शीद एमडी एंटरप्राइज अने मकवाणा एंटरप्राइज तेमज अन्य 17 बोगस पेढ़ीओ बनावी हती। इकोसेले जणाव्यु छे के मुर्शीद आलमनी मोड्स ऑपरेंडी एवी हती के ते खोटा दस्तावेजोथी डमी पेढ़ीओ बनावीने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मेळवीने ते खोटा बिलो बनावीने गैरकायदे नाणाकीय व्यवहारो करावीने जीएसटी पोर्टलमां खोटी रीते फाइलिंग करीने सरकारने करोड़ोनो चूनो चोपड्यो हतो। વધુમાં અગાઉ 200 કરોડના જીએસટી કૌભાંડમાં 14 આરોપીઓને ઇકોસેલની ટીમે પકડી પાડીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા। અગાઉ કૌભાંડને પકડવા માટે ઇકોસેલની ટીમ સાથે સાયબર સેલ અને એસઓજીની સ્ટાફની મદદ લઈને 12 ટીમો બનાવી હતી અને આ 12 ટીમોએ ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં સુરત 3, અમદાવાદમાં 2, ભાવનગર 5, રાજકોટ 2, મોરબી 2 મળીને 14 આરોપીઓને પકડી પાડ્યા હતા। जो कि आ कौभांडमां हजु पण इस्मान उर्फे बंगलो सहितना आरोपीओ भागता फरे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसलाइन न्यूज, सूरत।